आज आपके लिए लेकर आई हूँ एक बहुत ही बेहतरीन सब्जी जो आपने आज से पहले कभी भी नहीं खाई होगी। एक बेसिक से इंग्रेडिएंट्स के साथ में इसमें चाहिए आपको आलू, मटर और थोड़े से ड्राई फ्रूट्स और बेसिक से बहुत लाइट मसाले लगेंगे इसमें, क्योंकि इस सब्ज़ी में ज़्यादा मसाले होने से इसका स्वाद बिगड़ जाता है बिल्कुल। तो कढ़ाई में थोड़ा सा घी डालेंगे, तेज पत्ता डालेंगे, लौंग और काली मिर्च डालेंगे, फिर इसमें हल्के से रोस्ट करेंगे इसको और इसके बाद इसमें धनिया, मिर्ची, हल्दी, जीरा, हींग ये सब थोड़े थोड़े से बिल्कुल कम मात्रा में डालेंगे। इस सब्ज़ी में मसाले बहुत कम लगते हैं, बहुत ही लाइट मसाले, जितने मसाले लाइट होंगे, कसूरी मेथी का भी स्वाद इसमें अच्छा आता है, उतना ही इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। अब इसमें आलू डाल देते हैं, दो मिनट के लिए इसको फ्राई करेंगे, फिर इसके बाद इसमें फ्राई करके इनको दो मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे, फिर इसमें मटर डाल देंगे। अब जो मेन इसका पार्ट है सब्जी का वो है दूध। ये इसमें आपको पानी नहीं डालना है, इसमें आपको दूध डालना है, लेकिन बस एक बात का ध्यान रखना, दूध गर्म किया हुआ होना चाहिए, खोला हुआ, कच्चा दूध या ठंडा दूध नहीं डालना है इसमें। और सभी मसालों के साथ में एक बात का और ध्यान रखना है कि मैंने नमक निकाल के नहीं रखा था इसको, इसमें नमक दूध में उबाल आने के बाद ही डालेंगे। अब कुछ देर के लिए इसको पकने देते हैं, बस जैसे ही इसमें उबाल आएगा थोड़ा सा नमक का भी विशेष ध्यान रखना, जैसे रेगुलर सब्जियों में हम लोग नमक डाल देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होती, इसमें एक दाना भी नमक ज़्यादा नहीं होना चाहिए, नमक कम ही रखना है इसमें बिल्कुल, क्योंकि ज़्यादा नमक से सब्जी का टेस्ट बिगड़ जाता है बिल्कुल, ना मसाले ज़्यादा कुछ लगते हैं और ना इसमें नमक ज़्यादा डाल सकते हैं। सर्दियों में इस सब्जी को खाने का अलग ही आनंद है। तो अब देखिए, मैंने इसमें जब उबाल आया तभी मैंने इसमें नमक डाला है, अब ज़्यादा नहीं, दो तीन मिनट तक उबालने के पश्चात इसको बस, और इसमें मटर बॉयल किए हुए ही डालना है क्योंकि इसको ज़्यादा देर पकाते नहीं हैं, और आपकी गर्मा गर्म सब्जी तैयार है खाने के लिए। अब सब्जी बनने के बाद बस ड्राई फ्रूट्स डालकर दो मिनट और उबालने के बाद गैस बंद कर देते हैं, बस इस तरीके से हो जाए सब्जी, फिर आप इसको बंद कर देंगे। ज़्यादा नहीं पकाना है, 5-7 मिनट के लिए ही पकाना है इसको, और उसके बाद इसको गर्मा गर्म रोटी, पूड़ी, पराठे किसी के साथ भी खाइए, बहुत ही स्वादिष्ट सब्जी लगती है ये खाने में। तो आप लोग इसको ज़रूर ट्राई करना और फिर मुझे बताना कि आप लोगों को ये सब्जी पसंद आई या नहीं आई, मेरे यहाँ तो इसको बहुत पसंद करते हैं। तो दोस्तों, एंजॉय कीजिए, खाइए, खुद भी खिलाइए।